जो अन्न दे वह अन्नदाता, जो धन दे वह धनदाता, जो विद्या दे वह विद्यादाता, पर जो रख दे वह जीवन दाता। जी हाँ, नमस्कार, कैथल ब्रेकिंग टीवी देख रहे हो आप। सीधी लाइव तस्वीर आपको कैथल के पुराने बस स्टैंड के बिल्कुल सामने जीवनधारा हॉस्पिटल से दिखाई जा रही है, जहां पर आप देख सकते हो रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। यदि मुख्य अतिथि के तौर पर बात करें तो ईओ कुलदीप सिंह पहुंचे हैं, और बात करें हॉस्पिटल की तो बच्चों का यहां पर हर प्रकार का इलाज किया जाता है। आप देख सकते हो डॉक्टर डे पर जो रक्तदाता है वो यहां पर रक्तदान करने के लिए पहुंचे हैं, और डॉक्टर से भी बातचीत करेंगे कि क्या विशेष रहता है डॉक्टर डे पे, क्या महत्व होता है। आज इंटरनेशनल डॉक्टर डे पर जीवनधारा हॉस्पिटल के संचालक हैं संधू साहब हैं, जयवीर जी हैं, इन्होंने रक्तदान शिविर का जो आयोजन किया है उसमें बहुत सारे जो रक्तदान करने के लिए जो अभिलाषी वो पहुँचे हैं लोग। मैं ये कहता हूँ कि ये सबसे बड़ा दान है, इससे किसी की जीवन जिंदगी बचाई जा सकती है, और इसका कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं है, क्योंकि रक्त कहीं से भी बन नहीं सकता है। आज तक ऐसी कोई विधि संसार में पैदा नहीं हुई है, ये सिर्फ इंसान ही इंसान के लिए रक्त दे सकता है। और मैं उन सभी रक्तदाताओं का और अस्पताल के संचालकों का धन्यवाद करता हूँ कि जो इस तरह की पावन मुहिम की है, और मुझे भी इसमें शामिल होने का मौका मिला है। मैं उसके लिए भी आप लोगों का सबका धन्यवाद करता हूँ, संधू साहब का धन्यवाद करता हूँ, जयवीर जी का धन्यवाद। मुझे अच्छा लगा, मैं पहले भी यहाँ आया था इलाज के लिए, स्टाफ बड़ा कोऑपरेटिव है, यहाँ के जो प्रबंधक हैं बड़े कोऑपरेटिव हैं, जहाँ तक रेट की बात मुझे लगी वो भी जायज़ लगी, पर ये सबसे भड़के है जो रक्तदान का जो आज शिविर का आयोजन किया गया है, ये बहुत बड़ी बात। डॉक्टर कनिका, MD पीडियाट्रिक्स, मैं करेंटली जीवनधारा हॉस्पिटल में काम कर रही हूँ। यहाँ पे बच्चों का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, हमारे पास सारी सेवाएं हैं बच्चों के लिए, नवजात बच्चों के लिए भी हमारे पास नर्सरी है, वेंटिलेटर तक की भी सुविधा है हमारे पास, नवजम्मे जो टाइम से पहले बच्चे हो जाते हैं उनका भी इलाज यहाँ पे किया जाता है, बाकी बड़े बच्चे जो हैं उनको कोई अगर दस्त वगैरह की दिक्कत है, कोई निमोनिया की शिकायत है, कोई भी और दिक्कत है, तो उस चीज़ का इलाज यहाँ पे किया जाता है। रक्तदान को तो महादान कहा जाता है, ठीक है, तो रक्तदान कोई अगर कर रहा है तो वो हम अपने छोटे छोटे बच्चों को भी खून चढ़ाते हैं, तो ये उनके लिए किसी का रक्तदान किया हुआ एक बच्चे की जान बचा लेता है, तो इसके लिए ये तो सबसे बड़ा काम है, किसी को जीवन देने के बराबर है रक्तदान करना। वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पुण्य का काम कर रहे हैं, वो किसी को इलाज के लिए जब ज़रूरत होगी तो वो किसी की जान बचाएंगे। इस चीज़ के लिए उनको और ज़्यादा, सबसे पहले तो बधाई, और उनको और ज़्यादा बढ़ावा देना चाहिए इस चीज़ के लिए। और रक्तदान करने से कोई खून की कमी नहीं होती है किसी भी इंसान में, जो अच्छे से खाते पीते हैं, खून पूरा है जिनका, उनको रक्तदान करने से कोई दिक्कत नहीं होती। यहाँ पे हमारे पास ट्रेंड स्टाफ है, हमारे पास निक्कू ट्रेंड स्टाफ भी है, और बड़े छोटे बच्चे जो होते हैं पीडियाट्रिक्स जिनको हम बोलते हैं, उनका भी स्टाफ है हमारे पास पूरा इलाज करने के लिए। 24 घंटे हमारे पास जो रहते हैं बच्चों की निगरानी करते हैं, सारा उनका देख रेख करते हैं, तो स्टाफ हमारे पास तकरीबन 20-25 के आसपास हमारे पास स्टाफ है जो पूरा बिल्कुल बच्चों में ट्रेंड है। बाकी डॉक्टर साहिल हैं, एक फिजिशियन है जो यहाँ पे वो देखते हैं बड़े बच्चों को, एडल्ट्स को, और मैं हूँ जो बच्चों को देखती हूँ। बाकी यहाँ पे हमने ओटी भी अभी स्टार्ट किया है, यहाँ पे सर्जरी भी करने लग गए हैं हम। डॉक्टर ऋषभ जिंदल हैं जो यहाँ पे आते हैं और सर्जरी करते हैं, तो अभी हर तरीके की सुविधा यहाँ पे अवेलेबल है।